हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गले के कुछ पैटर्न बनाना सीखेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर मैं पेपर पर पैटर्न बनाऊंगी। यही पैटर्न्स आप कैनवस पेपर पर कट करके अपने गले को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमने ब्लाउज़ में गले की जितनी भी चौड़ाई ली है हम उसको यहाँ पर गिन लेंगे। सपोज़ हमने 3 इंचेस इसकी चौड़ाई ली है तो यहाँ पर हम 3 इंचेस गिन रहे हैं। अगर आपने गले की चौड़ाई को 2.5 इंच रखा है तो आप 2.5 इंच ही यहाँ पर गिनना, लेकिन मैंने यहाँ पर अभी 3 इंच गिना है। और साथ ही में यहाँ से हम गले की ऊँचाई को गिनते हैं। हम जितनी भी गले की लंबाई रखेंगे आप उस हिसाब से इसे गिन लीजिए। मैं यहाँ पर 10 इंचेस गिन रही हूँ, आप देख रहे हैं मैंने 10 पर मार्किंग की है। फिर से मैं यहाँ पर ऊपर जैसे हमने 3 इंच गिना था यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। अब हम ये स्क्वायर ब्लॉक बना लेंगे इस तरह से। अब इस स्क्वायर के अंदर ही हमें गले को शेप देना है। अब हम यहाँ से गले को शेप देते हैं। हमें यहाँ से अगर हमारा थोड़ा सा बाहर भी होगा तो भी इतना कोई टेंशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ से हमें इसी साइड से इसे शेप देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ नीचे की साइड से इसे 3.5 इंचेस के ऊपर पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर। यहाँ से हमें गले को थोड़ा सा अलग से आकार देना है। और सपोज़ यहाँ पर हमारी लाइन है, मैं यहाँ पर सपोर्टिंग लाइन लगा रही हूँ बस, तो यहाँ से हमें इस तरह से गले को गोल लगाना है, गोल आकार। और यहाँ से हमें हमारा जो दूसरा वाला आकार है वो हम इसे देंगे। आप इसे बाहर अंदर जितना भी रखना चाहें आप रख सकते हैं यहाँ से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे थोड़ा सा और डार्क कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक आकार बन गया है। अब हमने ये जो आकार बनाया है हमें इसे 1-1 इंच बाहर से गिनना है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं 1-1 इंच गिनना। आप इस तरह से 1-1 इंच पर गिनेंगे तो कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा। इस तरह से हम सभी तरफ से इसे मार्किंग लगाते हुए चलेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मार्किंग लगाई है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब हमने जो आगे की लाइन ड्रॉ की है हम वहाँ से इसे कट करते हैं। अब हमने ये जो 1-1 इंच पर मार्किंग की है इसको हम इस तरह से कट करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमारे गले का कुछ इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। तो इसको आप लेस के ज़रिए भी सजा सकते हैं, आप जैसे भी चाहें, लेकिन हमारा इस तरह से ये गले का पैटर्न बन जाएगा। यहाँ से गोल गला होगा और नीचे से इस तरह से इसकी ये साइड होगी। सो फ्रेंड्स, आपको ये गले का पैटर्न कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। अब हम इसी तरह का और एक पैटर्न कट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक और पैटर्न बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ से गले की चौड़ाई को नाप लेंगे 3 इंचेस। फिर हम गले की लंबाई को नापेंगे, आप जितना भी रखिए, सपोज 10 इंचेस। और यहाँ से भी हम नापते हैं 3 इंचेस। स्क्वायर ब्लॉक को पूरा करेंगे। अब हम यहाँ से भी 3 इंचेस पर निशान लगाएंगे और यहाँ से गले को देंगे गोलाई। सेम इसी तरह का पैटर्न है लेकिन थोड़ा सा अलग है।
तो देखिए फ्रेंड्स, पैटर्न थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लगता है हम जब भी इसे गले में बनाते हैं। अब हम इसे कट करते हैं। तो कट करने के लिए भी हमें आगे की जो लाइन ड्रॉ की है इसी में कट करना है, और ये जो साइड है हमारी एक एक इंच वाली, ये हमें बाद में कट करनी है। तो अगर आप चाहें तो आप इस तरह से एक एक इंच पर इसे मार्किंग लगा कर गिन सकते हैं, इसमें कटिंग करने में आसानी होगी। तो इस तरह से आप इसे पहले गिन लीजिए कट करने से पहले। तो सबसे पहले हम आगे वाली जो लाइन है इसको कट करते हैं, एक एक इंच की मार्किंग पर फिर से हम इसकी कटिंग करते हैं। इसकी मार्किंग मैंने की है अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, खोलने के बाद ये भी डिजाइन बहुत अच्छा लगेगा आप जब इसे अपने ब्लाउज में बनाओगे। इस तरह के हमारे गले के पैटर्न बन गए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही रीच और बहुत अच्छे लग रहे हैं ये पैटर्न। जब भी हम इसे हमारे ब्लाउज़ में बनाते हैं तो बहुत ही ये सुंदर लगते हैं। इसमें हम कोई भी डिज़ाइन फिर से ऐड कर सकते हैं या फिर हम इसे लेस के साथ सजा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।